हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दिल एंड टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। दो दिन बाद थकान उतार कर मैं वापस आ गया हूं। आज के दिन में साइकिल पर क्या मामला छाया और कौन सा नया वीडियो लोगों के सामने आया, सब पर करेंगे बात। लेकिन पहले जानिए आज के शो में क्या है खास। इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान पर क्या बोली जनता। लोको पायलट के कचौरी प्रेम का वीडियो हुआ वायरल। टीचर की विदाई पर छात्राओं ने दिया यादगार फेयरवेल और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात ट्रेन से घूमने वाले एक घुमक्कड़ ट्रेवलर की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी जुड़ी है गाजियाबाद और यहाँ की एक सोसाइटी से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में शिप्रा रिवेरा सोसाइटी से एक वीडियो सामने आया है जिसको देख के लोगों का माथा एकदम भन्ना गया। एक महिला इस सोसाइटी में टॉप फ्लोर पर रहती है। बालकनी की सफाई के लिए वो अपने फ्लैट की खिड़की के बाहर लटक कर सफाई करती हैं। सफाई के लिए महिला ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर पाँव हल्का सा स्लिप होता तो महिला नीचे के बजाय ऊपर जा सकती थी। मजाक नहीं है, सही बात है। वीडियो में महिला कारनामा देख के लोगों ने कहा कि सफाई की ऐसी भी क्या सनक। वीडियो काफ़ी चल रहा है। कुछ ने कहा कि इस महिला को तो स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। वैसे आजकल सोसाइटी से जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं दिखता है कोई बच्चे को साड़ी से लटका के कपड़ा निकलवा रहा है, कहीं कोई पुशअप लगा रहा होता है बालकनी पे, ये सब देख के यही लगता है कि ऊपर रहने वालों को, जो सोसाइटी में ऊपर के फ्लैट्स में रहते हैं लोग, उन लोगों को ऊपर जाने की बहुत जल्दी है और वो लिफ्ट नहीं लेना चाहते हैं। ट्विटर ट्रेंड्स की बात करें तो टॉप पर हर्ष, शिमोगा, हैशटैग बजरंग दल, हैशटैग मंगलोर मुस्लिम्स रहे। इसकी वजह एक विवाद बना। कर्नाटक के शिमोगा में हर्ष नाम के 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता देख के वहां के प्रशासन ने वहां धारा 144 लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्ष बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और उन्होंने कथित रूप से हिजाब के खिलाफ पोस्ट लिखी थी और उस पोस्ट के चलते ही बीती रात हर्ष की हत्या की गई, ऐसे दावे दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स के जरिए लोगों ने हर्ष को न्याय दिलाने की बात की है। साथ ही लोगों ने हर्ष के परिवार को सांत्वनाएं दी हैं। आसपास के इलाकों से भी हिंसा की खबरें आने के बाद फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। उसकी भी तस्वीरें वगैरह आई। इसके अलावा जस्टिस फॉर इंजीनियर्स भी ट्रेंड में रहा। इसके पीछे रेल मंत्रालय का एक फैसला बना। रेलवे मिनिस्ट्री ने तय किया है कि अब से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी कि IRMS ग्रुप ए की भर्ती भी UPSC सिविल सर्विस एग्जाम CSE के जरिए ही की जाएगी। इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं लिया जाएगा। पहले इसके लिए अलग से परीक्षा होती थी जिसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ESE कहा जाता था, लेकिन अब इसे सिविल सेवा परीक्षा में ही शामिल कर लिया गया है। इंजीनियर्स इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला इंजीनियर्स के खिलाफ है। एक यूजर ने लिखा कि IRMS के पद इंजीनियरिंग और टेक्निक से जुड़े लोगों के लिए होते थे और सिविल सेवा के परीक्षा के जरिए IRMS के पद भरना इस फील्ड के एस्पिरेंट के साथ खिलवाड़ है। इन सब के साथ चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा होने की खबर पर भी लोगों ने काफी रिएक्शन आज दिन भर दिए। तीसरी सुर्खी राजस्थान के पायलट की। ना सचिन पायलट ने बगावत नहीं कर दी है किसी भी तरह की। आज बात करेंगे हम एक लोको पायलट की। राजस्थान के अलवर से सामने आया एक वीडियो बताता है कि लोग स्वाद के लिए क्या कुछ नहीं करते। अलवर के दाऊदपुर फाटक पर दिखा एक नज़ारा सुर्खियों में है। दरअसल बात यह आई कि वहां से गुजरने वाली ट्रेन का लोको पायलट केवल कचौरी खाने के लिए ही ट्रेन रोक देता है। मथुरा पैसेंजर ट्रेन अलवर जंक्शन पर पहुंचने पर उसका इंजन बदला जाता है। इंजन बदलने के लिए दाऊदपुर फाटक से आगे तक जाना पड़ता है। पूरे काम को अंजाम देके जब इंजन वापस आ रहा होता है तो लोको पायलट महोदय इंजन को रोकते हैं और गेटमैन कचौरी पकड़ाता है। आरोप लगे कि ये लोको पायलट की डेली रूटीन है, वो अक्सर ये करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं रोज अलार्म बजने पर उसको बंद करके फिर से सो जाता हूँ। किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला कचौरी की खुशबू से भी तेजी से फैला और जयपुर DRM वीरेंद्र कुमार तक मामला पहुंच गया, खुशबू पहुंच गई। DRM ने मामले की जांच शुरू की, एक्शन लेने की बात कही। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक, खबरों के मुताबिक मामले को लेकर स्टेशन अधीक्षक, गेटमैन, लोको पायलट और हेल्पर समेत कुल 5 लोग सस्पेंड किए गए हैं। कुल मिला के लोको पायलट को भी वो मीम याद आ रहा होगा, क्यों भाई आ गया स्वाद, लिटरली स्वाद आया होगा कचौरी का। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। रविवार को दिया गया पीएम मोदी का एक बयान सोमवार को भी काफी चर्चा में रहा। बीते दिनों पीएम मोदी ने हरदोई और उन्नाव में बड़ी चुनावी रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सोशल मीडिया पर उनका बयान और समाजवादी पार्टी की साइकिल दोनों चल पड़े। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि सपा का जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उस पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे। मैं हैरान हूं कि आतंकी धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल क्यों करते थे। इसके बाद लोगों ने पीएम मोदी के बयान पर नाराजगी जताई। वैसे भी जिस धमाके में 56 लोगों की मौत हो जाए उस मामले को भारत देश के प्रधानमंत्री
पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़े और जिस चुनाव चिन्ह का या उस पार्टी का उस धमाके से सीधे सीधे दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तो ये चीज़ खुद में कैसी कही जाएगी आप लोग समझने के लिए ज़्यादा समझदार है। मैं बस ये कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री की बात दुनिया सुनती है और दशकों तक उसको याद रखा जाता है। पीएम मोदी की बात भी सालों तक याद रखी जाएगी और किस स्वाद में याद रखी जाएगी ये पीएम हमसे बेहतर समझते हैं। तो मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। खैर, मामले पर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि साइकिल आमजनों का अभिमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। लोगों ने भी पीएम के बयान पर उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर माय साइकिल ट्विटर ट्रेंड हुआ और यूजर्स ने साइकिल के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों का घोर अपमान किया, साइकिल तो हर गरीब के पास होती है तो क्या हर गरीब आतंकवादी है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि उन्होंने साइकिल को समाजवादियों और आतंकवादियों से जोड़ तो दिया लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि गांवों की अर्थव्यवस्था साइकिल से ही चलती है। साइकिल गरीबों, फेरी वाले, किसानों और आमजनों की सवारी है लेकिन उन्हें क्या वोट के लिए कुछ भी बोलेंगे। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, साइकिल आतंकवाद के प्रतीक समझना गलत है। आपके लॉकडाउन में 1400 किलोमीटर अपने बाप को गुजरात से बिहार लाने वाली बेटी को भूल गए। साइकिल गरीबों का बुलेट ट्रेन है। मामले को छोड़ दे हैंडल मार दे पैडल, जायद कक्का साएं साएं की तर्ज पे फेसबुक पे भी काफी खींचा गया। एक यूजर ने लिखा कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आतंकवादी साइकिल पर बम रखकर बाजारों में साइकिल छोड़ देते थे और राजनीति का ये सबसे निचला स्तर है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस पर क्या कमेंट किया जाए। एक और यूजर ने लिखा कि आदरणीय पीएम जी, चुनाव प्रचार में इतना बिस्तर न गिराएं, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो का पहला रॉकेट परीक्षण के लिए साइकिल पर ही ले जाया गया था, आज देखें इसरो का विश्व में डंका बज रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि यह बात सपाई और अखिलेश के हर कार्यकर्ताओं को याद रख लेनी चाहिए कि उनकी पार्टी के सिंबल साइकिल को सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया गया है, जबकि समाजवादी मुलायम सिंह यादव की इच्छा थी कि पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। कुल मिलाकर साइकिल वाले मामले में चैन बीच रास्ते में ऐसी उतरी कि अब यहां से तो उल्टा पैडल मारकर भी उसको चढ़ाया नहीं जा सकता। अगली खबर गोरखपुर से। एक तो इतना पूर्वाग्रह मत पालिए, है ना, गोरखपुर से जुड़ी हर खबर उनसे नहीं जुड़ी होगी। हर पीली चीज सोना नहीं होती, मोहब्बत खिलौना नहीं होती और गोरखपुर की हर खबर महाराज से जुड़ी नहीं होती। राइमिंग पे मत जाइएगा, भावना ही समझिएगा। खैर, बात खबर की। प्यार कुछ नहीं देखता है, ना हद और ना सरहद, प्यार तो बस हो जाता है जुकाम की तरह। वैसे मुझको जैसे प्यार हो गया है छुट्टियों से, आपको जैसे प्यार हो गया है इस शो से, अब ऐसे ही एक अजब प्रेम की गजब कहानी टाइप से चर्चा हो रही है। भारत में रह रही ब्रिटेन की डिप्लोमेट रियानन हैरिज ने भारत के रहने वाले हिमांशु पांडे को अपना दिल दे दिया। अखबारों की भाषा में रियानन ने 7 जन्मों के लिए हिमांशु को अपना हम सफर चुन लिया। आम लोगों की भाषा में दोनों ने दिल्ली में धूमधाम से शादी कर ली। अपनी शादी की तस्वीर शेयर करते हुए रियानन ने ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा कि जब मैं 4 साल पहले भारत आई तो मेरे कई सपने और उम्मीदें थी लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यहाँ मुझे सच्चा प्यार मिलेगा और मैं उससे शादी करूंगी। मुझे इनक्रेडिबल इंडिया में ढेर सारी खुशियां मिली हैं। रियानन का ये ट्वीट काफी वायरल हुआ और लोगों ने उनको बधाई दी। रियानन की ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक वो ब्रिटेन की डिप्टी ट्रेड कमीशन साउथ एशिया के पद पर काम कर रही हैं। अब बात लड़के की भी कर लेते हैं। हिमांशु एक फिल्म मेकर हैं और गोरखपुर के बभनौली गाँव के रहने वाले हैं। हिमांशु गॉड रॉक फिल्म के फाउंडर भी हैं। दोनों ने एक प्रोजेक्ट में साथ काम किया और यहीं से प्यार की शुरुआत हुई। अब बस इसी शादी की बातें खूब चल रही हैं। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म कहो बंधन टाइप्स हो रखे हैं लोग, इसलिए हम भी आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। टीचर स्टूडेंट्स की बातें। इंटरनेट के सस्ते होने के साथ ही मीम कंटेंट बस रह गई हैं लेकिन अब भी उम्मीद की किरणें कहीं कहीं से दिख जाती हैं। एक महिला शिक्षक का वीडियो काफी चल रहा है। वीडियो पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के कटियाहाट बीके एपी गर्ल्स हाई स्कूल की एक टीचर के फेयरवेल पे सभी छात्राएं हो गई भावुक। अपनी पसंदीदा टीचर जिनका नाम संपा बताया गया, उनको विदाई देने के लिए स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी चारों तरफ बात हो रही है। छात्राओं ने टीचर को ऐसा फेयरवेल दिया कि हर किसी की आंखें नम हो गई। कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स की आंखें बंद करके उनको ग्राउंड में लाती हैं, फिर जैसे ही टीचर आंखें खोलती हैं तो सब लड़कियां घुटनों पे बैठ के तुझमें रब दिखता है गाना गाती हैं। गाने के बीच में ही टीचर्स और स्टूडेंट रोने लग जाती हैं। वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। मेरे टीचर के साथ मेरा रिश्ता भी काफी रोने वाला रहा था। जब भी वो बोर होते तो मुझको पीट देते थे और मैं रोने लगता था। देखिए वीडियो।
आज बात ट्रेन की वीडियो और लवर की। अब पिक ऑफ द डे में बात एक ट्रेन लवर की करते हैं। ट्रेन लवर का नाम है सत्य प्रकाश। इनके चैनल का नाम है इंडियन रेलवे फैन क्लब। सत्य अपने चैनल पर अलग अलग राज्यों में ट्रेन से की गई जर्नी दिखाते हैं। सत्य के चैनल की एक खास बात यह है कि ये ट्रेनों का रिव्यू भी करते हैं। टाइमिंग, साफ सफाई से लेकर स्पीड सब का कुल मिला के इस चैनल पर सत्य प्रकाश की खोज में ट्रेन से यात्रा करते हैं। बहुत गंदा हो गया पर ठीक है, लिखा था यही। वो ट्रेन के जरिए देश का कोना कोना घूम चुके हैं। चैनल काफ़ी लोकप्रिय है और इसको 7 लाख से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। आप भी इनका चैनल देख सकते हैं अगर आपको ट्रेनों में दिलचस्पी हो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, लेकिन जाते जाते बात क्या, बात क्रिप्टो करेंसी की नई क्लास की। एक नया पैसा सीजन 2 जो कि शुरू हो गया है, उसके 2 एपिसोड भी आ गए हैं। दो आ गए हैं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ बोल के। तो उसके बारे में एक खास जानकारी है, देख लीजिए। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कने, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चने, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो एनएफटी वाले डिजिटल आर्टवर्क का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2, 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।